तंक के बना और ही जोड़ा है। जो भी हैं उनको फोन कर, कर के हमें, हमें गुंडों को इकट्ठा करके कर उनको लाख लग पास हजार रूपए दे करके साथ में इकट्ठा करते है हमें बड़ा डर है इन लोगों से मेरा किस दिन मर्डर हो जाए और किस दिन क्या हो जाए या मेरे चेहलों के साथ भी हो जाए मुझे कोई विश्वास नहीं है इस लोग का

और नरवाणा एरिया को करोड़ों रुपए में बेचा गया ऐसी कुछ सुनने में क्या कुछ मामला है सर आप बताना चाहोगे हाँ जी जितने भी अपने न्यूज वाले हैं सबको मेरे तरफ से राम राम और नगरवासियों का भी मेरी तरफ से राम राम हाँ जी ऐसे है राम राम राम। मैं यहाँ की बच्चा हूँ और जो कि नगरवासी सब जानते हैं तो मैं यहाँ पे रहते हुए जो कि अपने मांगरियो खारियों अपना गुजारा कर रही हूँ तो जो हमारे यहाँ पर ढाणे के अंदर में एक गुलाबो रूप सुभाष मुंशी का लड़का जो किन्नर है उसने हमारा जीना तो सवार कर रखा है और हमारी सुपारियाँ दे रखी हैं लोगों को मेरा ये नहीं पता मेरा किस दिन मर्डर हो जाए और किस दिन क्या हो जाए या मेरे चेलों के साथ भी हो जाए मुझे कोई विश्वास नहीं है इस लोग का जो कि मैंने प्रशासन के अंदर में भी रिपोर्ट लगा रखी है पहले उसने हमारे को तीस लाख रुपए में या पैंतीस लाख रुपए में या बाड़े कैंट में एक पारो शर्मा है जो के उसको इसने एरिया बेचा और अब सुनने में आ रहा है इसने एक करोड़ में हमारे को फिर बेचा जो कि मेरे बीस पच्चीस लाख रुपये वाले कैंट वाला भी लेके चला गया और ये जो ढाणी वाला है ये पाँच लाख एक ले गया आठ लाख में रुपये एक ले गया तेरह लाख ये भी लेके चला गया तो जो भी मैं कमाई करती हूँ और जो सारी की सारी कमाइयाँ इनके पास चलेगी मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ मेरे चले मेरी इज्जत करेंगे हैं मुझे बड़ा दुख है कि इस इंसान से मुझे डर है और मुझे यह नहीं पता ये मेरा कहाँ मर्डर करवा दे गुंडे बदमाशों के साथ रहता है और गुंडे बदमाश जो हिजड़े भी हैं उनको फोन कर करके हमें धमकियां दिलवाता है मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई हूँ क्या धमकी दिलवा रहे हैं ये धमकी दिलाता है कि तुम नवाना छोड़ जा तू नरवाना का डेरा छोड़ जा मैं अपना डेरा कहाँ छोड़ कर जाऊंगी मेरे चेले बैठे हैं मेरी गुर भाई बहन बेटी है इनको छोड़ के कहाँ चली जाऊंगी और उसका कई दफा गुंडे बदमाशों से बंदूकों की गोलियां भी दलवाता है मैं किसके मथे लगूंगी हम्म मुझे बहुत ज्यादा डर है कौन है वो क्या पहले किन्नर है है कब से काम करता है? वो पहले किन्नर नहीं था पहले वो भी जेंट्स था और बाद में वो कहीं और था उसको मैं ही लेके आई थी नरवाने के अंदर में हमारे जो गुरु था जिसके मैं कोरा चेला एक मैं ही था उसको लेके आई थी मगर तू नरवाने में आजा मैं नौकल बच्चा मुझे शर्म आती है कोई माँ और भाई बहन मिलती है कोई बेटी मिलती है मैं उनके आगे मंदा माड़ा नहीं बोल सकती मुझे बड़ी शर्म आई लेकिन उस इंसान को यहाँ बसाया रसाया मैं चली गई यहाँ से बाहर मुझे बाहर भी टिकने दिया कभी दस लाख रुपए मांग रहा कभी बीस लाख रुपए मांग रहा मैं कहाँ से देता है मेरा जीना दशवार होया मैं नरवाने में आके मांगने खाने लगा मैं नरवाने के बंदों के आगे गुहार लगाई भाई तू नौकल बच्चा है तो यहाँ पे मांग हम तुझे देंगे ये अपना मांगे ये आएगा इसको दे देंगे ने तुझे देंगे मैं जाते लोगों से मैं बधाई ले आते उनके आगे मंदा माड़ा बोलता मुझे कुछ कुछ बोलता पुलिस प्रशासन को भी कुछ कुछ कहता था लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प की और इसने बिल्कुल अपना गुंडा कर दिया नहीं छोड़ी बाहर से पचास पचास साठ साठ जुड़े बुलाए मैं फिर भी किसी तरह अपना आपा रही और बिरादरी को भी दंड देती रही जो भी कहते दस दे पचास दे मैं इसको देती थी इसका पेट नहीं भरने में आया मेरे जिसने बेचा उसका नाम क्या है इसका नाम वे वे है नाम है डोगरी उर्फ सुभाष उसका एरिया है नरवाना के अंदर नरवाना में एरिया तो क्या एरिया तो हम तो जन्म सता ही निवासी हैं यहाँ पड़े हैं या जन्म लिया हमने तो वो कैसे भेज सकते हैं अगर आप तो पता नहीं, नहीं है कैसे गुंडा कर दी है गुंडा कर दी पैसे वालों की गुंडा कर दी ऐसे से नहीं, नहीं नरवाने का नहीं हो पूरे गाँव बाल्मीकियों का बच्चा है गुप्त कटा के हिजड़ा बना और डुप्लीकेट हिजोड़ा है बाल बच्चेदार इंसान है जिसको बेचा गया क्या वो आपके संपर्क संपर्क में वो मेरे संपर्क में है वो मेरे से पचास लाख रुपए मांग रहा है मैं कहा से उनको पचास उनको पैसे दे दिए क्या मेरे पास में प्रूफ है जो उन्होंने मेरे से पैसे क्या कहते हैं कि पांच रुपए कहते हैं पांच लाख को तीस रुपए कहते तीस लाख को

सब के सब गांव उनको दिए उसमें तो आप जाते हो में मैं जाती वो, यहाँ पर है, जो, वो ऐसा उन्होंने किया है जी वो कहते हैं छोड़ और नहीं तो हमारे को इतना पैसा या धनराशि दे मेरे पास में देने के लिए धनराशि नहीं है हमारे को निकालने की धमकी दी जाती है और जो ये एरिया है ये उनका नहीं था ना नाबे का ना पंजाब का ना गो डोगरी का जो सुभाष है ये किसे कह रही है रोहतक वाली माई है उर्मिला नायक जी हैं ये वो बिठाने के लिए बात करना चाहती है चोरी से इधर उधर भाग जाते हैं और ये गुंडों को इकट्ठा कर करके उनको लाख लाख पास हजार रूपए दे करके साथ में इकट्ठा करते हैं हमें बड़ा डर है इन लोगों से बहुत ज्यादा डर है जान का खतरा बना हुआ हमारा हाँ जी मैंने थाने में दरखास्त दी हाँ। है जी हमारा न्याय करो और जो हमारे से लोग बाहर के पैसे मांगते हैं उनसे हमारा निवारण करो प्रणाम हाँ जी पान भाई जी नमस्कार रेशमा माई के साथ जो घटना घटी है आप भी पहुंचे हो आपको क्या लगता है आपकी ही समाज से हाँ जी नमस्कार सर जी मैं जीन सफीदो से सीनो मंत और जो रेशमा मंत ने बन दी है वो सच है जी है ना बिल्कुल सच्चाई है कोई झूठ नहीं है इनके साथ ये घटना घटी है और ये देखो सर ये दरखास्त है, है ना इन्होंने दरखास्त भी लगाई है इस विषय को देख के इनको ऐसे ऐसे करके बेचा गया है ना जो कि यहीं रहती है डहाड़ी में क्या नाम है उनका सुभाष सुभाष रूफ डोगरी है ना आप उनका? आप उनका। और उनको गुलाब भी बोलते ये बात सच्चाई है जी कोई झूठ नहीं है है ना और ये सच्चाई है मुझे भी पता है इस बात का मैं इनके साथ हूँ तो तो क्या नाम है जी आपका जी मेरा नाम पूजा है मेरे ममाई जी की चेला हूँ सभी को मेरी नमस्कार ठीक है हम भी जाते हैं बधाई लेने के लिए ठीक है शहर में और हमें बो डर लगता है भाई अपनी जान का तो सबको डर लगता ही है ठीक है? है जी इस घटना के बाद हमें बोर्डर लगता है कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए हमारे गुरु जी के साथ कुछ ना हो जाए ठीक है तो प्रशासन से मेरी यही है कि हमारी बातें जो है सुनी जाए ठीक है हमारे को न्याय चाहिए हमारे को ठीक है हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से हमें न्याय चाहिए जी, जी।, जी। माई जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप जो दर्शक नरवाणा की जनता है जो आपको देख रही है जो आपको जानती है जानती है मैं दर्शकों जितने भी अपने मेरे नरवाने के नगर वासी हैं सबको हाथ जोड़ के मेरा नमन है और एस बंदे से जो ये सुभाष जो है इसके साथ में एक लड़का रहता है संजू जो संजू कहता है मैं किन्नर हूँ मैं हिजड़ा हूँ वह एक शो पर शो एक जेंट्स है जिसको जेंट्स बोला जाता है जिसको बिल्कुल एकदम मर्द बोला जाता है वो मर्द है और वो एक अपने आप को हिचड़ा कहता है हमें उससे बहुत डर लगता है क्या पता वो कहां सेर कैसे हमारा मर्डर भी करवा सकता है हमें उससे भी डर है बिल्कुल पुलिस प्रशासन उसकी डॉक्टरी करा सकती है वो एक मर्द है हमें उससे बहुत ज्यादा डर लगता है और डोगरी जो के बाहर से अन्य किन्नरों को बुला करके जो गुंडा टैप में जगह जगह उन्होंने गुंडागर्दी कर भी करी है मैं उन हिजड़ों का नाम नहीं लूंगी जब लूंगी प्रशासन के सामने कोई बात आएगी तभी मैं उनका नाम ले पाऊंगी और उनकी वीडियो भी दिखाऊंगी को इतनी थोड़ी होती है ये मतलब जनता को बेच सकते ये ना। ये थोल्टी हिजड़ों को नहीं होनी चाहिए बच्चों वालों का मांगते बच्चों वालों को दुआ देवे उनसे आशीर्वाद देवे सिर्फ यही थोल्टी होनी चाहिए बेचने, बेचने की कोई थोल्टी किसी को नहीं चाहिए अगर नहीं बेच पा नहीं अपने कमा सकता नहीं खा सकता अपने चेलों को गलियां दे दे और ताकि उसके चेले वहां मांगे उसके चेले खाएं और अपने उसके गुरु का निवारण भाई जो मामला है इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह का जो है मामला बनता है ये मामला ऐसी है जी पब्लिक समझे या ना समझे हम तो इसको एक तस्करी जो तस्करी बोली जाती है ये किस्म की तस्करी है जो को किन्नरों को बेचना अभी मेरे को भी बेच डाला मेरे बच्चों को भी बेच डाला मेरे घर बार को क्या पूरे नर्वाण वासियों को भी बेच डाला ये एक तस्करी है जो नर्वायणा ही पूरी पूरी पब्लिक को बेच डाला ये एक तस्करी है और ये जो है पैसे इसके पैसे कहाँ जाते हैं जनता हमारे से कल को अगर लेना चाहते हिसाब हम हिसाब देंगे ये हिसाब देवे इसके पैसे गए कहाँ जो कि कल्यात उचाणा और नरवाणा और अन्य जान जाने कितने शहर मांगा करता इसने बेच डाले क्यों बेच डाले इसको क्या ऐसी दहशत थी जो इसने ये एरिया बेच डाला नरवाणा उचाणा कल्यात न अन्य और कौन कौन से शहर बेच डाले हैं इसका कोई पता नहीं है एक तस्कर का काम ये जो कर रहा है ठीक है जी